हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पार्ट टू में। हमने पार्ट वन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। फ्रेंड्स, स्टमक जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज हम स्टमक के बारे में स्टमक से स्टार्ट करेंगे। इट इज अ थिक वॉल्ड बैग। ये एक थिक वॉल का बैग है। इट शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू। इसका जो शेप है वो एक फ्लैटेंड यू के जैसा है। और ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, मतलब ये सबसे ज़्यादा एरिया को कवर किया हुआ है। ये एक तरफ से फूड पाइप से फूड रिसीव करता है और दूसरे एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है। इसकी जो इनर लाइनिंग है उससे म्यूकस सीक्रेट होता है, जो उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत सारे बैक्टीरियाज को मारता है। और डाइजेस्टिव जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं। तो हमने ये समझा कि स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग है, उसका शेप एक फ्लैटन यू की तरह है और ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हाईली कॉइल्ड होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है और ये लगभग 7.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लिवर और पैनक्रियास से सीक्रेशंस लेती है। और जो लिवर है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो एब्डोमेन यानी पेट के ऊपर और राइट साइड पे सिचुएटेड होता है। ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, जिसको एक सैक, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसमें ये स्टोर हो जाता है बाइल जूस। और बाइल फैट्स के डाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैनक्रियास। पैनक्रियास एक लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे होता है। और ये पैनक्रियास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स पर डाइजेस्टिव जूसेस करता है। और इनके डाइजेस्टिव को पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। अब फूड इंटेस्टाइनल वॉल में पहुंच जाता है और वो जो जूस है वो हमारे जो सेकंड प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, डाइजेशन, उसको कंप्लीट कर देता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपल शुगर्स में तोड़ देता है वो जूस, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जाने कि कौन से फॉर्म्स में वो तोड़ता है अलग अलग फूड के कंपोनेंट्स को। अब हमारा तीसरा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टिव जूस है वो ब्लड वेसल्स में पहुँच जाता है जो इंटेस्टाइन के वॉल में होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फ्रेंड, जो इनर वॉल होती है उसमें बहुत सारे आउटग्रोथ्स होते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं। छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं। ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। फिर जो विलाय का सरफेस है वो डाइजेस्टिव मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्ब फूड ब्लड वेसल से अलग अलग और ऑर्गन से पहुंच जाता है और वहाँ पर सिंपलर और फिर से कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग टर्म ये है कि इसका नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। तो
कंफ्यूज मत होइएगा। तो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर यानी चौड़ा होता है और छोटा होता है। ये लगभग 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर का होता है। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे कुछ वाटर सॉल्ट जितना पॉसिबल हो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जो रिमेनिंग वेस्ट है वो रेक्टम में चले जाता है और एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम एनस, फिर वो एनस से एक्सपेल हो जाता है। और वो जो एक्सपेलिंग वेस्ट मटेरियल्स को एक्सपेल करने की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं इजेशन। फ्रेंड्स, तो हमने अब ह्यूमन डाइजेशन पढ़ लिया है, ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे रूमिनेंट्स के डाइजेशन के बारे में। रूमिनेंट्स मैं आपको बता दूं कि ग्रास ईटिंग है एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, इटीसी। वो जल्दी से ग्रास को स्वेलो कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक स्टमक के पार्ट में वो उसको स्टोर कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं रूमेन। यहाँ पर फूड को पार्शियली यानी आधा डाइजेस्ट किया जाता है और फिर से कड में चले जाता है, लेकिन वो जो कड है वो छोटे छोटे लम्प्स यानी टुकड़ों में फिर से माउथ में चले जाता है और एनिमल उसको च्यू कर लेता है। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। तो जो एनिमल्स इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसे हम रूमिनेंट्स कहते हैं। देखिए, वो जो हमारी घास होती है उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे एनिमल्स ह्यूमंस हम लोग भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनके पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेकम। लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेकम। वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। फिर उसके बाद सेलुलोज यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है कुछ सर्टेन बैक्टीरिया की हेल्प से। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए आपके लिए हमने एक डायग्राम भी लाया है। ये देखिए वो ईसोफेगस से जो रूमेन में जा रहा है, फिर उसके बाद वो फिर से स्मॉल लम्प्स में आ रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये जो है वो है सेकम, और इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है अमीबा, उसमें डाइजेशन कैसे होता है, उसके पास कोई माउथ नहीं होता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। ये अपनी शेप और पोजिशन को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है। इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। वो मूवमेंट के लिए होते हैं और कैप्चर ऑफ फूड के लिए होता है। जब उसको पता चलता है कि हमारे आसपास फूड है तो वह अपने स्यूडोपोडिया को फूड पार्टिकल के अलोंग फैला देता है और उसको एनगल्फ कर लेता है, मतलब उसको दबोच लेता है। फिर वो जो फूड है वो वैक्यूल में ट्रैप्ड हो जाता है। फिर जो फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में बांट देते हैं, और वो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो ग्रोथ, मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज होते हैं, और अनडाइजेस्टिव फूड को वो भी एक्सपेल कर दे। अगर